मनोहर जी की मेन मार्केट में एक राशन की दुकान थी। उसी दुकान के दम पर उन्होंने अपने बेटे और बेटी की परवरिश की। शादी की उम्र होने पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और वह विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मनोहर जी तो चाहते थे कि उनका बेटा रवि पढ़ लिखकर कुछ बन जाए, लेकिन शुरुआत से ही उनका बेटा पढ़ाई लिखाई से जी चुराता था। 12वीं पूरी होते ही उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। मनोहर जी ने भी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे ताने नहीं मारे, बल्कि उसकी रुचि को देखते हुए उन्होंने उसे भी राशन की दुकान पर अपने साथ लेकर काम सिखाना शुरू कर दिया कि कम से कम आगे चलकर वह दुकान ही संभाल सके। समय बीता और मनोहर जी के बेटे रवि ने सारा काम अच्छे से सीख लिया था और अब ज्यादातर समय वही राशन की दुकान पर बैठने लगा था। कुछ दिनों में रवि की शादी भी हो गई। रवि की पत्नी मेनका बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद जब उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि घर का सारा खर्च उसके पति ने ही संभाल रखा है, तो वह धीरे धीरे अपने पति को समझाने लगी कि अम्मा बाबूजी बहुत ज्यादा खुले हाथों से खर्च करते हैं, उन्हें थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, आखिर तुम अकेले कमाने वाले हो। रवि भी पत्नी की बातों में आ गया। वैसे तो उसे पत्नी को ही समझाना चाहिए था कि सब कुछ माता पिता का ही खड़ा किया हुआ है, अगर वह लोग थोड़ा खर्च कर भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है, लेकिन अब उसे भी माता पिता का खर्च बोझ लगने लगा था। मनोहर जी भी अब बूढ़े हो गए थे तो वह दुकान पर ज्यादा देर के लिए नहीं जाते थे, एक दो घंटे में ही दुकान से वापस चले आते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने दुकान पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें घर पर रहकर आराम करने की इच्छा होती थी। इधर उनकी पत्नी देवकी जी भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू को सौंप चुकी थी और बस घर के कामों में उसकी मदद करती रहती थी। मेनका को सास की मदद नहीं दिखती थी, बल्कि उनका खाना पीना ही दिखाई देता था। बुजुर्ग तो यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां संभाल ले और वह बस बच्चों की मदद करते रहे, लेकिन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि जब वही लोग सब कुछ कर रहे हैं तो फिर उन्हें बुजुर्ग माता पिता की जरूरत ही क्या है। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि जब माता पिता जवान रहते हैं और वह सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं तो वह तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें बच्चों की जरूरत क्या है, वह तो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की परवरिश में अपना समय लगाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ों की देखभाल करना उन्हें बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे रवि भी अपने माता पिता को बोझ जैसा समझने लगा था, उनके खर्चों में कटौती करने लगा था। कभी कभी उसकी माँ खाने पीने की किसी चीज के लिए फरमाइश कर देती थी तो बुढ़ापे का हवाला देकर वह अपनी माँ का मुंह बंद करवा देता था। देवकी जी भी समझ गई थी कि शायद अब उनका वक्त बीत चुका है, इसलिए वह थोड़े में ही संतुष्ट रहना सीख रही थी। लेकिन एक बार उन्हें बुखार आ गया। अब बुखार तो कोई शौक की चीज होती नहीं है, वह तो बिना बुलाए कभी भी आ जाता है। शुरुआत में 3-4 दिन तो उन्होंने घर पर ही काढ़ा वगैरह पीकर देखा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर मनोहर जी ने अपने बेटे को एक रात कमरे में बुलाया और कहने लगे, देख बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। रवि झुंझलाते हुए कहने लगा, आप लोगों को बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, हर बात के लिए आप लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा, इतने रुपए कहाँ से आएंगे। बाबूजी, आप भी काम छोड़कर घर पर बैठ गए हैं और आपको तो कोई पेंशन भी नहीं मिलती है, मैं आप लोगों के खर्चों से परेशान हो गया हूँ, बुखार है तो काढ़ा पी लीजिए माँ, अब बुखार से मर नहीं जाओगी। इतना कहकर रवि पैर पर रखते हुए कमरे से बाहर चला गया तो माता पिता दोनों ही हैरान रह गए कि बेटा यह क्या बोल गया। मनोहर जी सिर झुकाकर बैठ गए, मानो अब वह अपने आप से ही नजर नहीं मिला पा रहे थे। उनकी पत्नी अलग ही सिसक रही थी, वह तो थोड़ी देर के बाद रोते रोते सो गई, लेकिन मनोहर जी काफी रात तक नहीं सोए। वह अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे, ऐसे कैसे रुपए पैसे के लिए बेटे ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया था। फिर अगली सुबह बेटे को सबक सिखाने के लिए पिता ने उसे फिर से अपने कमरे में बुलाया। रवि गुस्से में पिता के कमरे में आया और कहने लगा, अब क्या हुआ, अब फिर से यह मत कहिएगा कि आपको माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनका बुखार कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मनोहर जी गंभीर आवाज में बोले, देखो बेटा, मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे पेंशन नहीं मिलती है तो मेरा खर्च तुम्हारे नाजुक कंधों पर बोझ है, तो तुम अब मेरी चिंता कभी मत करना, मैं अपना खर्च खुद उठा लूंगा। रवि हैरानी से बोला, अच्छा वो कैसे। मनोहर जी तटस्थ भाव से बोले, मैं बाजार वाली अपनी दुकान को भाड़े पर लगाने जा रहा हूँ और उसके किराए से मैं आराम से बैठकर खा सकता हूँ, मुझे तुम्हारे सामने 2 पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही वह बखला गया और कहने लगा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं, अगर आप वह दुकान भाड़े पर लगाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे से पता है कि घर का खर्च मैं उसी दुकान से चला रहा हूँ, ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप। मनोहर जी गुस्से में बोले, तुम भी तो बेतुकी बात कर रहे हो बेटा, अगर दुकान मेरी है और उसी दुकान में काम करके तुम घर का खर्चा चला रहे हो तो फिर मेरा खर्च तुम्हारे लिए बोझ कैसे हो गया, तुम ये कैसे भूल गए कि वह दुकान मेरे ही नाम पर है, मैं उस दुकान को किराए पर लगाऊंगा तो कम से कम 50,000 रुपए हर महीने मुझे भाड़े के ही मिल जाएंगे, अब बताओ क्या मुझे अपने खर्चे के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। तुम अपनी मेहनत से दुकान चला रहे थे ना, तो जाओ
कहीं और अपनी दुकान चलाओ, मुझसे अब किसी चीज की उम्मीद मत करना तुम। यह सब सुनते ही रवि के होश ठिकाने आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहना शुरू कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए पापा, इतनी गहराई से मैंने नहीं सोचा था। मनोहर जी व्यंग से बोले, अगर तुमने ये सब सोचा होता तो कभी भी तुम्हें हमारा खर्च बोझ नहीं लगता, उल्टा मेरी दुकान में काम करने पर तुम्हारा भाड़ा ही बच रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, वो दुकान खाली चाहिए, क्योंकि आज तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हें हमारा खर्च बोझ लगने लगा। तुमने अपनी माँ के बारे में कितनी गलत बात कह दी, कल को अगर हमने बिस्तर पकड़ लिया तब तो तुम हमें पूछने भी नहीं आओगे। इसलिए जब मेरे पैरों में जान है तभी मैं अपने ऊपर निर्भर होना चाहता हूँ। तुम जल्द से जल्द दुकान खाली कर दो, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारे आगे तो हाथ बिल्कुल भी नहीं फैलाऊंगा। जब तक हाथ पांव चलेंगे घर गृहस्थी के काम हम लोग मिलकर कर लेंगे, वरना नौकर रख लेंगे। लेकिन ऐसे बेटे के साथ मुझे नहीं रहना है जिसे हमारा खर्च बोझ लगने लगे। अब आज तो मेरे नाम पर दुकान है तो तुम गिड़गिड़ा रहे हो, वरना तो तुम जैसी औलाद ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल कर फेंक देती है। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और अपने बचाए हुए कुछ रुपए लेकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर चल पड़े। ना चाहते हुए भी मजबूरन रवि को वह दुकान खाली करनी पड़ी। वह अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहने के लिए विवश हो गया था। इसके साथ ही नई जगह पर दुकान जमाने में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके काम में उसे घाटा भी होने लगा। अब वह खुद आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था और गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर था। इधर मनोहर जी ने अपनी दुकान को भाड़े पर उठा दिया था। डिपॉजिट में मिली रकम को उन्होंने FD में डाल दिया था और हर महीने भाड़े की रकम से उनका गुजारा आराम से चल रहा था और वह बुढ़ापे में भी स्वाभिमान के साथ जी रहे थे। उन्होंने वसीयत बनवा लिया था कि जब दोनों पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनकी बेटी दुकान को बेचकर आधा हिस्सा एक वृद्धाश्रम में दान करेगी और आधा हिस्सा वह खुद अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगी। अपनी जायदाद में से उन्होंने अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो दोस्तों, आपको मनोहर जी का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जरा रुकिए, आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। दूसरी कहानी का नाम है, जिठानी जी आपने मेरे मुन्ने पर अशुभ दृष्टि डाल दिया है। संध्या के पति को गुजरे हुए 20 दिन हो चुके थे। ससुराल में केवल उसके देवर देवरानी ही थे। उसकी देवरानी तो उसके विधवा होते ही उसे अपशगुनी ही मानने लगी थी। संध्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपनी देवरानी रूपा के एक वर्षीय बेटे पर स्नेह रखती थी। लेकिन जब से वह विधवा हुई थी तब से रूपा अपने बेटे पर संध्या की परछाई भी नहीं पड़ने देती थी। संध्या भी यह बात अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह अब मुन्ने से दूर दूर ही रहती थी। एक दिन मुन्ना आंगन में खेल रहा था, तभी संध्या की नजर उस पर पड़ गई। उसी समय रूपा वहां पर आ गई और तुरंत ही संध्या को भला बुरा कहते हुए मुन्ने को गोद में उठाकर अपने कमरे में चली गई। संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। पति के जाने का दुख तो था ही, ऊपर से अपने ही घर में उसे इतना दर्द मिल रहा था। अगले दिन मुन्ने को बुखार हो गया, तब रूपा का पारा चढ़ गया और वह दंदनाते हुए संध्या के पास आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, आपने मेरे मुन्ने पर अशुभ दृष्टि डाल दिया है, तभी तो मेरा मुन्ना बीमार पड़ गया है। आज तो मैं आपको इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। जिठानी रोने लगी और फिर रूपा ने धक्के मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी जिठानी दौड़ते हुए घर के भीतर आई और जल्दी से मुन्ने को गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर रूपा गुस्से से बौखला गई। वह तो अपने बेटे पर उसकी परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती थी और यहाँ तो संध्या ने उसे गोद में उठा लिया था। वह अभी उसे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर मुन्ने के बिस्तर के पास पर, जहाँ पर एक सांप रेंग रहा था। यह देखते ही रूपा की चीख निकल गई, वह घबरा कर दो कदम पीछे हट गई। संध्या उसके पास आई और मुन्ने को उसकी गोद में डालते हुए बोली, लो तुम्हारा मुन्ना सुरक्षित है, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम लोग खुश रहो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर आज उसकी जेठानी ने फुर्ती से काम ना लिया होता तो मुन्ने को कुछ भी हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह झट से अपनी जेठानी के पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आपको अशुभ समझने लगी थी, लेकिन आज आपके कारण ही मेरा मुन्ना सही सलामत है। बच्चे तो बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन इसका कारण मैंने आपको बताया, यह मेरी भूल थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी और मुन्ने पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। उसकी यह बात सुनकर संध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने रूपा को माफ करके गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको दोनों कहानियां पसंद आई हो तो लाइव टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।